क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ क्या है। सभी नशे करके धुन रहते हैं अपनी मस्ती में, चाहे बात हो इंटरनेट की, 4G स्पीड की, 2G स्पीड की, चाह फिर बात हो अपने हक की। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इसके बारे में क्यों नहीं बोलते। सब बात करते तो है, बस वोट लेने की, वोट देने की और देने की। लेकिन बहुत हुआ, अब आप सब लोगों के पास है मौका। लॉकडाउन तो चल रहा है, उसके बाद कुछ तो करना होगा। क्यों कोई नहीं बोलता जॉब के बारे में, उनकी वैकेंसी के बारे में, उनकी लिस्ट के बारे में, चाहे बात हो जेके बैंक के रिजल्ट की, या फिर GKSSP, या फिर वो तो स्टेट लेवल पर जो एग्ज़ाम हो उनकी ना ही कभी लिस्ट आती है। पैसे तो ये लोग ले लेते हैं, लेकिन फिर भी हम सब बन जाते हैं बंदो। अभी बहुत हो चुका है दोस्तों, सबको बात करनी पड़ेगी अपने हक की। GMCIV लिस्ट 2017 में रखी थी, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला था। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोग इसके बारे में कुछ बढ़िया स्टेप उठाएंगे। वेलकम टू एग्जाम क्रैकर जगदीश राज। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो जो होगी वो स्पेशल वीडियो में लेके आया हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इस टॉपिक पे बात करूँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने ट्राई भी किया, लेकिन मुझे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। फिर सोचा था कि इस पे कुछ वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना, ताकि आप जो यूथ लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँच पाए। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के रिलेटेड जो स्टेप्स होंगे वो आप ज़रूर उठाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आजकल देखिए जो सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना, हमें जॉब के रिलेटेड जो सिस्टम चल रहा है वो क्या है, हमें एक जॉब चाहिए, जो क्या हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी, कोई भी जॉब हो, हमें बस एक जॉब चाहिए, ठीक है ना। सब लोग यही चाहते हैं कि हमें एक जॉब मिले, अच्छी सी, अच्छी ना भी हो लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब जो कि सिक्योर हो, ठीक है। तो ये जॉब हमें मिलनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, GMC जो 4th क्लास की जो लिस्ट थी वो अभी तक नहीं निकली हुई है, ठीक है ना। जम्मू में ये फॉर्म लगे थे 2017 में, आप जो फोटो में देख सकते हो जो वैकेंसी थी वो क्या थी, ठीक है। ये जो फॉर्म लगा था, तो इसकी अभी तक जो लिस्ट है वो आउट नहीं हुई है, ठीक है ना। वहीं श्रीनगर भी ये फॉर्म लगा था, ठीक है, उसकी लिस्ट ये आ गई है, और उस पर तो ये अभी जॉइनिंग वगैरह सब कुछ कर दी गई है। लेकिन GMC जो जम्मू है इसकी लिस्ट अभी तक नहीं आई हुई है। मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट हमारी, ठीक है ना। हम जो यूथ हैं, ठीक है ना, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया था, जिनको थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि हमें इसमें जॉब जरूर मिलेगी, लेकिन कोई भी इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कौन सी लिस्ट है, IV लिस्ट है ना, 4th क्लास लिस्ट। तो शायद फेसबुक या फिर कहीं और भी मैंने ये टॉपिक किसी ने भी ये पोस्ट नहीं किया, ठीक है। तो मैं ये करना चाहता हूँ ताकि आप लोग जिन्होंने भी ये फॉर्म फिल किया था वो लोग सामने आए और इस बारे में बोलें, GMC में जाएं हम लोग सब लोग और वहाँ पता करें एक्चुअली बात क्या है। मैंने सुना था कि ये जो लिस्ट थी स्टे लगा है इस पर, लेकिन फिर मैंने सुना कि इस पर स्टे जो था वो ख़त्म हो गया है। फिर बाद में ये खबर आती है कि ये जो लिस्ट थी ये JKSSB को फॉरवर्ड कर दी गई है। तो ऐसा क्यों दोस्तों, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्म GMC वालों ने ऑफलाइन इकट्ठा किए थे, हमसे फीस ली थी, अप्रोक्सीमेट 50 रुपये की फीस ली थी, ठीक है ना, और 300 के अला 300 पोस्टें थी शायद इसकी, ठीक है ना। तो मैं ये आप सब लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये फॉर्म लगाए थे वो कृपया करके सामने आए और इस टॉपिक के बारे में बात करें, ताकि ये जो लिस्ट थी ये निकले। एक लौती ये उम्मीद थी कि चलो यार कहीं और नहीं तो GMC में तो हमारा नंबर आएगा, लेकिन अभी वो लिस्ट अभी तक वो नहीं निकली हुई है ना दोस्तों। तो एक मैंने एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, उस पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है, ताकि हम सब